राजगढ़ से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग हादसे में घायल हुए हैं। राजस्थान के रहने वाले थे सभी मृतक। कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। जिले के पीपलौदी रोड पर यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के रहने वाले लोग थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे, कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसपे 13 लोगों की जान चली गई। 14 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। माफ कीजिएगा, 15 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जिले के पीपलौदी रोड पर ये सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के रहने वाले हैं ये सभी मृतक। बताया जा रहा है कि कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे कि अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। 15 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। जिले के पीपलौदी सड़क पर यह हादसा हुआ। कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर ये लोग वापस लौट रहे थे। राजस्थान के रहने वाले सभी मृतक बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहन बघेल हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, आप हमें ताजा आंकड़ा बताइए, हुआ किस तरीके से था यह हादसा, कितने घायल हुए हैं और कितने की जान गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीती रात राजगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें असमय 13 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोगों से अधिक घायल हो गए हैं, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं 4 लोगों को भोपाल रेफर किया गया, गंभीर रूप से जो घायल थे उनको भोपाल रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर ही जैसे ही हादसे की जानकारी जिला प्रशासन को लगी, तत्काल जिले के कलेक्टर SP मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से कुछ ग्रामीणों ने भी वहां पर सहायता पहुंचाई है, जहां पर ग्रामीण और वो JCB से उन्होंने ट्राली को उठाया और इसके बाद घायलों को 7 से 8 एम्बुलेंस लगाई गई, जिसकी मदद से जिला अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया। तत्काल जो उपचार की व्यवस्था थी वो करवाई गई और जैसे ही ये खबर तमाम अधिकारी और वरिष्ठ और पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी गहरा दुख जताया, उन्होंने भी तत्काल सहायता और मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन घटना जो है बेहद दर्दनाक थी, भीषण सड़क हादसा था, क्योंकि जो राजस्थान से ये बारात राजगढ़ के लिए पिपलौद गाँव के लिए पहुंच रही थी और अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और जो ट्राली में करीबन 50 के लगभग लोग बैठे हुए थे, जो कि पलट जाने से नीचे दब गए और दबने के कारण ये 12 से 13 लोगों की जो है जो डेथ हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अभी भोपाल में उपचार चल रहा है। जी तो ये बारात थी जो वापस लौट रही थी, आप ये बता रहे हैं कि ये बाराती थे जो इतनी संख्या में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा है? जी बिल्कुल, जो बारात है वो राजस्थान से राजगढ़ के पिपलौद गांव पहुंची हुई आ रही थी उधर से, मतलब ये जो बारात है राजस्थान से आई हुई थी राजगढ़ और ये बीच जो है सड़क पर हादसा हो गया। ट्राली चूंकि रोड से नीचे उतर जाने से, ये पलट जाने से ये हादसा हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो गांव के समीप थे चूंकि, तो वो तत्काल पहुंचे, लेकिन ट्राली जो है भारी भारी थी इसलिए वो चूंकि उठा नहीं पाए। इसके बाद JCB बुलाई गई, तब तक काफी देर हो चुकी जी। मोहन, तो ये और बता दीजिए, जो घायल हैं फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है, खतरे से बाहर है सभी या कुछ गंभीर भी है? जी बिल्कुल, जो घायल 15 लोग घायल है उनका राजगढ़ के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।